नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। नेक्स्ट वीक किस तरह का बाजार रहेगा उसकी बात करते हैं इस वीडियो में। जो डे ट्रेड करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं, थोड़ा सा कॉशस रहना चाहिए क्योंकि मार्केट जो है 200 पॉइंट अप 200 पॉइंट डाउन इस तरह का कारोबार हो रहा है। और जो एक तरह से टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं या कुछ पॉइंट्स के अनुसार कारोबार करते हैं, सेक्टर में देखते हैं कि ये सेक्टर में खबर आ रही है तो वो उसके अनुसार कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस के द्वारा अपना कारोबार करते रहना चाहिए। अब देखिए, कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो चलते रहेंगे, बट ये कि नेक्स्ट वीक जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक डाटा आएगा, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन जनवरी एंड कंज्यूमर इन्फ्लेशन इन फरवरी विल बी रिलीज्ड ऑन फ्राइडे, तो ये फ्राइडे को होगा। और 11 मार्च को छुट्टी रहेगी दोस्तों, 11 मार्च 2021 को महाशिवरात्रि है, उसके उपलक्ष में मार्केट बंद रहेगा। एक तरह से छोटा वीक रहेगा, ये स्मॉल वीक रहेगा, तो कम ट्रेडिंग सेशन रहेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है। और दूसरा कंसर्न ये बना हुआ है बॉन्ड यील्ड्स, जो अमेरिकन मार्केट एक तरह से 200 पॉइंट गिर रहे हैं, 400 पॉइंट डाउ गिर रहा है, तो बॉन्ड यील्ड्स का है। तो फेड की पॉलिसी का डिसीजन, अब फेड की पॉलिसी किस तरह का रहेगा, डिसीजन किस तरह का रहेगा वो देखना पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट में भी काफ़ी हलचल बनी हुई है और उसी तरह से इंडियन मार्केट में है। तो दोस्तों, एक तरह से ये वेडनेसडे को रहेगा। अब क्या बयान आता है वहाँ के फेड की तरफ से, सेंट्रल बैंक की तरफ से, अमेरिका के सेंट्रल बैंक की तरफ से, ये देखना पड़ेगा। तो बॉन्ड यील्ड्स और फेड पॉलिसी डिसीजन का भी रहेगा इस वीक में। और आगे चलते हैं तो क्रूड ऑयल, दोस्तों क्रूड ऑयल में क्या है कि अभी भाग के लगभग 69-70 तक पहुंच गया क्रूड। और सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है क्रूड ऑयल। अब जैसे कि अब इंडिया के लिए लगभग 70-80% रिक्वायरमेंट है क्रूड का, इंपोर्ट होता है, तो थोड़ा सा कंसर्न बना हुआ है क्रूड ऑयल। देखना पड़ेगा कि अब आने वाले दिनों में क्या 70 से ऊपर कारोबार करेगा। फिलहाल कुछ सेक्टर को तो फायदा रहेगा, बट ये है कि जिस तरह से इंडिया में अब कहीं ना कहीं इलेक्शन चलते रहते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चार्जेस वापस हो सकते हैं, ये मीडिया में खबर है दोस्तों, और लगभग 8 से 10 रुपया वापस हो सकता है। तो अगर कम होता है तो मान के चलिए कि जो शेयर बढ़ रहे हैं उनमें गिरावट भी बहुत तेज़ी से आ सकती है। और जो शेयर में गिरावट आ रही थी, मीन्स क्रूड का जो इफेक्ट पड़ता है थोड़ा सा ऑटो सेक्टर या फिर दूसरे सेक्टर में, तो वो तेज़ी से ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। पेंट सेक्टर के शेयर वो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। तो वॉलेटाइल रहेगा, कहने का मीन्स ये है कि वॉलेटाइल रहेगा जो डे ट्रेड कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं, कॉशस होकर। जैसे कि मार्केट में अगर आप व्यापार करने निकले हैं, ट्रेड करने निकले हैं, इन पॉइंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जो ले रखा है तो अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत तेज़ी से गिरावट आएगी, बट ये है कि थोड़ा सा उनको भी एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए। अब देखिए, राकेश झुंझुनवाला जी, उन्होंने एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग की है दिसंबर के तिमाही में, आपने न्यूज़ भी सुना होगा, राकेश झुंझुनवाला जी ने अपने कुछ स्टेक बेचे। अब देखिए, वो एक तरह से बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास करोड़ों में शेयर होते हैं, अगर वो कुछ शेयर बेच देते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, फिर नीचे की तरफ आता है, फिर बाय होता है उनका। तो इसी तरह से रिटेलर को भी करना चाहिए, उनको ध्यान में रख के करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। जैसे कि बहुत सारे शेयर दुगने से तिगुने हो गए, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, भले कुछ कम क्वांटिटी क्यों ना हो, 100 क्यों ना हो, 200 क्यों ना हो, 500 क्यों ना हो, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये अपना अपना तरीका है दोस्तों, और इन्वेस्टर्स को हर तीसरे महीने कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग करते रहने चाहिए। और FIIs का फंड फ्लो तो आ ही रहा है, तो वो भी एक तरह से आप देखिए, अभी TCS में देखिए 10% TCS गिर गया, अब धीरे धीरे करके देखिए 3200-3300 गया। अब जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, अब देखिए होता क्या है कि लंबे समय के लिए भी जिन्होंने रखा है, तो एक तरह से कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। अगर स्टॉक नीचे की तरफ दिखता है फिर से उसको ले लेना चाहिए, इस तरह से देख सकते हैं, अपना अपना तरीका है, सीखना चाहिए। और IPOs एक तरह से काफ़ी आ रहे हैं, ईजी ट्रिप प्लानर इसका IPO रहेगा। तो निफ्टी का जो आउटलुक रहेगा दोस्तों, निफ्टी में काफ़ी वॉलेटाइल, काफ़ी उतार चढ़ाव रहेगा एक तरह से, और ऊपर की तरफ से थोड़ा सा दबाव है, बट ये कि कोई ना कोई सेक्टर का शेयर उसको सपोर्ट करता हुआ नज़र आएगा। जैसे कि कभी रिलायंस इंडस्ट्री बढ़ जाएगा, कभी भारती एयरटेल बढ़ जाएगा, कभी TCS बढ़ जाएगा, और अभी देखने में आ रहा है कि HUL ऊपर की तरफ जा रहा है, इन्फोसिस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो इस तरह से अभी कोई ना कोई स्टॉक जो है सपोर्ट करेगा, मारुति देखिए भाग रहा है, और इस तरह के कोई ना कोई बड़े स्टॉक्स एक तरह से तेजी में रहेंगे और वो हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्त HDFC बढ़ जाएगा, बैंकिंग स्टॉक में बढ़ जाएंगे, तो इस तरह से अभी आने वाले समय में रहेगा। निफ्टी का जो रेंज रहना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए, एक तरह से 14,724 को नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग होती है वीकली के हिसाब से, तो
तो मान के चलिए वहां से फिर गिरावट बढ़ेगी है और लगभग 14,453 और 14,286 ये सेकंड सपोर्ट है 82, और ऊपर की तरफ जैसे कि अभी 15,000 के आसपास है निफ्टी, तो 15,162 और 15,433 इस तरह का ये कारोबार हो सकता है इसमें निफ्टी में नेक्स्ट वीक। और अगर मंथली के हिसाब से देखते हैं तो 14,540 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है थोड़ा सा इसमें फिर जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, और एक तरह से पूरे मार्च की बात बता रहे हैं, अगर मार्च भर में अगर 14,540 के नीचे क्लोजिंग होती है तो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड होगा, बट 14,500 का अच्छा खासा सपोर्ट है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए निफ्टी। और ऊपर की तरफ 15,217 और 15,634 ये एक फिर नया हाई बनते हुए दिखेगा, बट ये आने वाले समय में होगा दोस्त। 14,500 के नीचे क्लोजिंग होती है थोड़ा सा हल्का सा बेरिश हो जाएगा, फिर लगेगा कि आने वाले दिनों में किस तरह की खबरें आती है। कोरोना वायरस का भी काफ़ी अभी बातें चलने लगी है, सेकेंड वेव की बातें चलने लग गई हैं, तो ये कुछ कंसर्न आगे आने वाले दिनों में बने रहेगा दोस्तों। अच्छे स्टॉक्स को लेने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर जिसमें भी ट्रेड करना है बढ़िया स्टॉक जिनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, जो स्टॉक अभी बढ़े नहीं है वो बढ़ने की उम्मीद रहेगी। तो दोस्तों ये नेक्स्ट वीक रहेगा, ये कुछ पॉइंट्स है।